जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि रजौरी के दरसल इलाके में एक दहशतगर्द मारा गया है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी जवानों में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है इलाके का सर्च ऑपरेशन। तो लगातार दहशतगर्दी देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें अलग अलग जगहों पर सेना की ये छापेमारी भी देखी जा रही है। बीएसएफ भी लगातार मुस्तैद होते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। तो रजौरी के इलाके में एक दहशतगर्द मारा गया है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी जवानों में एनकाउंटर जारी है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। यहाँ पर टीम जो है सर्च ऑपरेशन रजौरी के अलग अलग जगहों पे करती हुई नजर आ रही है और बड़ी कामयाबी भी टीम को मिलती हुई नजर आ रही है। तो बता दें कि एक दहशतगर्द मारा गया है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी जवानों में एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में एक की मौत हो गई है जबकि इलाके का में पूरा घेराबंदी कर लिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन सुबह से ही चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर भी देखा जा रहा है ये सर्च ऑपरेशन, जिसके बाद आपको बताएं कि G20 इजलास के बाद ही यहाँ सख्ती बढ़ती जा रही है। मौसम का फायदा उठाते हुए भी जो दहशतगर्द है वो मौके को अंजाम देने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां हमारी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार बॉर्डर पर मुस्तैद होती हुई नजर आ रही हैं और इस बीच उनको बड़ी कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। तो रजौरी के दरसल इलाके में एक दहशतगर्द मारा गया है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी जवानों में एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में एक दहशतगर्द की मौत हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। रजौरी के दरसल इलाके में एक दहशतगर्द मारा गया है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी जवानों में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।